क्वेश्चन नंबर 21 है क्या क्वेश्चन, उसने कहा है कि एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर लो, लो कर लिया इसको चार्ज, लेकिन बैटरी ना हटाओ, बैटरी ना हटाओ, नो रिमूव। और फिर कह रहा है एक बार चार्ज तो कर लो लेकिन बैटरी हटा दो। फिर क्या रखा है, इन दोनों को दूर ले जाओ, कहां अधिक काम करना पड़ेगा, कहां अधिक काम करना पड़ेगा, तो जवाब तो यह है कि यहां अधिक काम करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं इसका फील्ड इस समय E1 है और इसका फील्ड इस समय कितना है, E2 है, ये दोनों का फील्ड इस समय सेम है, लेकिन वर्क कहां अधिक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। अभी तो फील्ड सेम है लेकिन वर्क कहां अधिक करना पड़ेगा दूर करने में, समझिएगा। यहां पर एक बात पक्की, अगर बैटरी जुड़ी हुई है तो एक चीज पक्की है कि V में कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन ये पक्का है कि C 1/D, डी बढ़ रहा है तो सी घटेगा। सर Q = C × V होता है, वी भले ना चेंज हो लेकिन सी तो घट रहा है तो चार्ज भी घटेगा, और अगर चार्ज घटेगा तो जान लो कि E बराबर होता है Q/ε0E। ये होता है, E बराबर क्या होता है, Q/ε0E। अब पक्की बात है कि अगर Q घटेगा तो E भी घटेगा, और एक चीज और जान लो, E बराबर V/D, V कांस्टेंट है तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो अगर D बढ़ रहा है तो भी E घटेगा, यानी कुल विधेय E घट रहा है, चार्ज भी घट रहा है इसलिए भी, और दूरी बढ़ रही है इसलिए भी E घटेगा, यानी यहां पर E डिक्रीज कर जाएगा और साथ ही साथ Q भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इनकी बात करें, अगर बैटरी रिमूव कर दिया तो चार्ज तो नहीं, नो चेंज, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इतना पक्का है कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, D अगर इंक्रीज करेगा तो C पक्की बात है डिक्रीज करेगा, और अगर C डिक्रीज किया, चार्ज तो नहीं बदलेगा लेकिन C डिक्रीज कर गया, लेकिन इस बार अगर V की बात करें Q/C, तो सर अगर C डिक्रीज कर गया और Q कांस्टेंट है तो पक्की बात है V इंक्रीज करेगा, और अगर V इंक्रीज किया तो E बराबर होता है V/D, अगर V इंक्रीज किया तो E भी इंक्रीज किया, लेकिन अगर D इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, D बढ़ेगा तो भैया E डिक्रीज कर जाएगा, यानी मामला गड़बड़ हो गया, दोहरा हो गया, V के बढ़ने से V इंक्रीज कर रहा है, V के बढ़ने से E बढ़ा, लेकिन D के बढ़ने से E क्या हुआ, घट गया, दूरियां बढ़ रही ना प्लेटों के बीच, D के बढ़ने से E घट गया, तो V ने बढ़कर E को बढ़ाया लेकिन D ने बढ़कर E को क्या किया, घटाया। इस तरीके से E बढ़ा भी और घटा भी, बढ़ा किसके कारण, E V के कारण, घटा किसके कारण, E D के कारण। इस तरीके से E में नो नेट चेंज, नेट कोई चेंज नहीं हुआ, और जब नेट कोई चेंज नहीं हुआ, और बहुत लोग के दिमाग में चलता है सर जरूरी तो नहीं है कि V के कारण जितना E बदले मतलब बढ़े, D के कारण उतना ही E घटे, जरूरी क्यों नहीं है, जरूरी है, और है ही क्या है इसमें, बैटरी सैटरी है ही नहीं है, जो कुछ भी कहानी हो रही है वो D के कारण ही तो हो रही है, जो कि कहानी हो रही है D के कारण ही V बदला, तो V के कारण जितना E बढ़ेगा D के कारण उतने E क्या होगा, घटेगा। इस तरीके नो नेट चेंज, यानी E अब भी उतना ही है, बढ़ाने के बाद भी E में कोई चेंजिंग नहीं है, और यहां पर E के साथ क्या घटना घटित हुई, यहां पर E के साथ घटना घटित हुई कि सर Q क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, सॉरी
ई जो है नया वाला ई घटाने बढ़ाने के मतलब दूरी बढ़ाने के बाद इनका ई डिक्रीज कर गया और यहां पर ई में कोई डिक्रीमेंट नहीं हुआ, तो कहां अधिक काम करना पड़ेगा? हम जानते हैं यू बराबर हाफ क्यू इंटू ई इंटू डी। डी क्या है? जितना तुमने फैलाया है, जितना तुमने क्या किया है, फैलाया है, तो इनसे कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनको 10 मीटर फैलाओगे तो इनको भी 10 ही मीटर फैलाओगे, तो जो दोनों में सेम है उनसे कोई फैसला नहीं हो पाएगा, तो डी में फैसला मत करिए सर। फिर किससे? अब यहां देखो, अब काम डिपेंड करेगा क्यू पर और ई पर। अब इनका जो है, इनका चार्ज भी घट गया, इनका ई भी घट गया, और इनकी बात करें तो इनका क्यू तो नहीं घटा, जितना पहले था उतना अब भी है, और इनका बेचारू क्यू पहले जितना था उससे कम हो गया, तो इनका क्यू तो नहीं घटा, लेकिन इनका जो है ई भी नहीं घटा और इनका क्यू भी घट गया था और ई भी घट गया था, तो एनर्जी यानी वर्क जो हमको करना पड़ा वो उतना नहीं करना पड़ेगा जितना इसमें करना पड़े था, क्योंकि इसमें क्यू और ई में कोई चेंज नहीं हुआ फैलाने के बाद, बैटरी हटाने जब तुमने इसमें बैटरी हटाने के बाद इनको फैलाया, तो फैलाने के बाद भी इनका क्यू और ई दोनों नहीं चेंज हुआ, किनका? इस वाले में। लेकिन इस वाली कंडीशन में फैलाने के बाद क्यू भी घट गया और ई भी घट गया, तो इनमें अब उतना वर्क करना नहीं पड़ेगा, और इनमें वर्क क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। ठीक है ना, ये रही बात, समझ गए ना? पहले तो दोनों का सब कुछ सेम था, क्यू भी सेम था पहले और ई भी सेम था दोनों का, ठीक है, वी भी सेम था, लेकिन फिर एक का बैटरी नहीं हटाया, एक का बैटरी हटा दिए, तब ये सब कहानी हुई कि इनका क्यू घट गया, डी घट गया, ई घट गया, लेकिन इनका ना क्यू घटा ना ई घटा, तो जाहिर सी बात है इनका क्यू ही उतना बना हुआ है, इनका क्यू और ई घट गया फैलाने पर, और फैलाने पर इनका क्यू ही नहीं घटा, तो यहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ा, वहाँ पर कम काम करना पड़ेगा। ठीक, बहुत समझा दिया, बहुत डिटेल में, जिसको बुद्धि ने उसको कभी समझ में नहीं आता, धंस जाओ तुम।